गाइस वेलकम टू द वीडियो। वैसे अभी ज्यादा टाइम नहीं है S25 सीरीज के आने में, जनवरी में जल्दी आने वाला है एंड तीन फोन होगा उसमें, जिसमें से S25, S25 प्लस और S25 अल्ट्रा होने वाला है। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे S25 अल्ट्रा के बारे में। वैसे तो बहुत कुछ अपग्रेड होने वाला है, सबके बारे में एक एक करके बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं टेक्निकल चीजों की, जो कि पबजी खेलते हैं, गेम खेलते हैं, उन्हें प्रोसेसर की बहुत ज्यादा जरूरत है क्योंकि इसका गीक बेंच स्कोर निकल चुका है, जो कि सिंगल कोर जो है वो है 3069 एंड साथ में आपको जो मल्टी कोर है वो 908 एंड ये काफी अच्छा कोर है। बट मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो वर्जन यूज किए गए हैं वो V8 वर्जन है एंड ओरिजिनली में जो ओरिजिनल फोन आएंगे उसमें V9.12 होने वाला है। एक और चीज सुनने में आ रही है, इसका जो UI है वो सिर्फ अभी एंड्रॉइड 15 पे ही चल रहा है, तो अभी इसका UI 1 जो है, जो सैमसंग का अपना OS है, उसके लिए पूरा पूरी भी रेडी नहीं है या वो बना नहीं है ऑन द बेस ऑफ एंड्रॉइड 15। अभी सिर्फ एंड्रॉइड स्टॉक 15 चल रहा है इसके अंदर। अब ये सब तो बहुत सारी टेक्निकल बात हो गई, पबजी खेलने वाले के लिए यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब बात करते हैं जो लोग रील बनाते हैं इंस्टाग्राम पे एंड स्नैप्स भेजते हैं उन लोगों को पाउट करके, जिन्हें वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ वो एस्थेटिकली बहुत प्लीजिंग है, मतलब कैमरा के बारे में बात करने वाले हैं। 200 मेगापिक्सल का कैमरा होने वाला है विद स्लाइटली अपग्रेड्स टू द S24 अल्ट्रा एंड मुझे ऐसा लगता है वो स्लाइटली नहीं होने वाला है, बिकॉज S24 अल्ट्रा में मुझे थोड़ी सी खामियां दिखी थी एंड S23 से एक बहुत बड़ा जंप होने वाला है S25 अल्ट्रा, क्योंकि अगर आप नहीं लिए हैं S24 अल्ट्रा आप बच चुके हैं, मेरे तरह अनलकी नहीं हो। एंड बाकी सारे कैमरा मेगापिक्सल की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का जूम लेंस देखने को मिलेगा, मतलब आप चांद में बैठे लोगों को भी देख सकते हैं एंड कुछ दिन बाद हम लोग मार्स तक भी पहुंच जाएंगे। एंड वहीं बात करें तो 10 मेगापिक्सल एंड 50 मेगापिक्सल का, मतलब 3x 10 मेगापिक्सल एंड 5x 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस देखने को मिलेगा। ओवरऑल मैं बोलूंगा तो वीडियोस फोटोज बहुत अच्छे आने वाले, स्टेबिलिटी बहुत बेटर है, पिक्सल और ज्यादा अच्छा हो गया है, मतलब कि पिक्सल वो छोटे छोटा गेंस होता है जिससे सारी इमेज बनती है वो बहुत बड़ी बात है, बस समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ओवरऑल आप अब आईफोन के बगल में अपना फोन निकाल सकते हो, पहले भी निकाल सकते थे, अब निकाल सकते हो और प्लॉन्ट कर सकते हो, देख भाई मेरा भी इमेज क्वालिटी कुछ खराब है नहीं, मतलब तेरे से अच्छा। बैटरी की बात करें तो ओवरऑल काफी सारी चीजें मोबाइल में दी गई एंड मुझे नहीं लगता कि कोई अपग्रेड की जरूरत है एंड मुझे नहीं लगता ये कुछ दे रहे हैं, तो 5000 mAh की बैटरी होने वाली है एंड साथ में आपको 45 वॉट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलेगा, जो कि आपको बॉक्स के साथ नहीं मिलेगा क्योंकि ये ट्रेंड एप्पल ने स्टार्ट किया था एंड सारे इसके पीछे चले गए, ये फॉलो नहीं करना था एंड्रॉइड, ये कॉपी नहीं करना था। ओवरऑल जो लुक्स के बारे में बात करें तो बहुत एस्थेटिकली प्लीजिंग दिखने वाला है, टाइटेनियम बॉडी होने वाली है एंड पूरा पूरी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फोन देखने को मिलेगा। IP68 भी है, 69 भी, वाटरप्रूफ है, अब ऐसा नहीं कि पानी के अंदर डाल के तैरने लग जाना एंड ऑब्वियसली बॉडी हार्ड है बट सेल्फ डिफेंस के लिए फोन नहीं बनाया गया, इनोवेशन एंड काफी सारी चीजों के लिए बनाया गया, तो इतना भी हार्ड है। एंड ऑब्वियसली स्क्रीन जो है वो डायनेमिक एमोलेड होने वाला है, 6.7 इंच का स्क्रीन होने वाला है एंड टू बी प्रिसाइज बोलूं पूरा पूरी फोन का रेशियो जो है स्क्रीन का वो 2.86 होने वाला है। और वहीं पर अगर हम लोग अपग्रेड्स की बात करें तो यूजर इंटरफेस में बहुत बड़ा अपग्रेड होने वाला है, क्योंकि सैमसंग UI 7.0 अपडेट देने वाला है, जो कि S24 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा, S23 अल्ट्रा, सैमसंग यूजर जितने भी हैं सबके लिए बहुत बड़ी न्यूज है, बट जो अल्ट्रा यूजर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है, क्योंकि काफी सारे फीचर्स एंड काफी सारी चीजें साथ में लेके आ रही है, जैसे कि एप्पल जो है अभी बहुत बड़ा अपडेट लाया है 18 के साथ एंड दिस इज द सेम फॉर द एंड्रॉइड यूजर्स जो कि सैमसंग फोन यूज करते हैं। अब जो बात करते हैं वो है रिलीज डेट के बारे में, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है एंड इसी चीज के लिए तो हम लोग ये सब चीजें देख रहे हैं। रिलीज डेट जो है इसका जनवरी होने वाला है, ये और शॉर्ट है, जनवरी में किसी भी दिन रिलीज हो सकता है, अब अगर नहीं हुआ तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि वो क्या है ना, मैं सैमसंग का CEO नहीं हूं। अब मेन कंसर्न कि आपका जेब इसका बजट संभाल पाएगा कि नहीं। इंडिया में ये जो रिलीज होने वाला है वो टॉप जो है 12 GB का मुझे लगता है वो होने वाला है 1,29,000 के अराउंड, विच इज लाइक 1,30,000 पूरा पूरी, क्योंकि 1 रुपए का तो आप मेंटोस खाओगे नहीं, जो भी है आप समझ रहे हो 1,30,000 आपको पड़ने वाला है अगर आप अपग्रेड्स के बारे में सोच रहे हो, ऐसे लेने के बारे में सोच। एक और लीक जो सामने में आ रहा है कि इसका स्क्रीन प्रोटेक्टर्स दिख रहे हैं, जिसकी वजह से ये थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि हाँ किस तरीके का डिजाइन होने वाला है स्क्रीन का। ऑब्वियसली पंच होल डिस्प्ले है तो आपको कैमरा वो छोटा सा दिखने को मिलेगा, कुछ नया इधर उधर नहीं है, बट हाँ स्क्रीन साइज के बारे में एंड काफी सारी चीजें तैयार होना स्टार्ट हो चुकी है, तो इसका मतलब एक रिलीज डेट काफी सामने है एंड आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड। मुझे देखना पड़ेगा कि मैं अपग्रेड कर पाऊंगा कि नहीं, जो नहीं लिए हैं वो लोग अपग्रेड कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि S25 अल्ट्रा जो है वो बहुत ही अच्छा फोन ओवरऑल होने वाला है, जिसके लुक्स में आप 10 out of 9 ले सकते हैं एंड कैमरास के 10 out of 9 ले सकते हैं, हर चीज में आप 9 तो आराम से ले ही सकते हैं, बिकॉज इट्स अ रियली गुड फोन वर्थ द प्राइस। बट अगर सैमसंग वालों ने चाहा तो और प्राइस कम कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्राइस भी ठीक ठाक है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं, थोड़ा सा माइनर हाइक है, विच इज लाइक ओके बिकॉज ऑफ द अपग्रेड।
एक और चीज ये कि इसमें आपको एसपेन देखने को मिलेगा, एसपेन के फीचर्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको बाकी सारे स्मार्टफोन्स में नहीं देखने को मिलते हैं। आई मीन स्मार्टफोन्स मतलब एंड्रॉइड एंड एप्पल। तो ओवरऑल यही है कि S25 अल्ट्रा आने वाला है। S24 अल्ट्रा लेने का सोच रहे हो तो मत लेना, आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू, पर्सनल एडवाइस, नो यूट्यूब, ये कुछ नहीं गिमिक है, इसको साइड रखो। मैं बोलूंगा मत लेना अभी S24 अल्ट्रा एंड यू शुड वेट फॉर S25 अल्ट्रा। 2,000-3,000 ज्यादा लगेगा बट यू विल गेट अ अपग्रेड, लाइक गुड अपग्रेड। सो अभी के लिए वीडियो यहीं तक रखते हैं एंड आगे कुछ भी लीक्स आते हैं तो मैं बताता हूँ, नहीं तो सीधा सीधी लॉन्च डेट के दिन मिलते हैं।